दिता 328 से 3328 पावन सरूपों का की मामला है। 15 जाने दोषी ठहराए गए सन पर 10 पेचियां की रिपोर्ट सी, पर अज जिहड़ी रिपोर्ट जनत कर रहे हैं वह घट्टो घट 1000 के कुछ पन्नियां की रिपोर्ट वा। ये लोग बेईमान ने गल करके मुकर जाते हैं। सिख जथेबंदियां गुरु ग्रंथ साहब के मामले ते काफ़ी दिनों दियां बैठियां कि लौंगोवाल साहब ने इत्थे आण के उन्होंने पुछया जां लंगर पानी का कुछ किसी तरह का कोई। 2 दिन लंगर दिता सी ते 3जे दिन लंगर कर दिते बंद। ये लंगर दिंदे ने जिथे सुखबीर बादल का परिवार जाता वा, जिथे बादल का परिवार जाता वा, जां भाजपा वालियां दे परिवार, क्योंकि ये सारे गठजोड़ आ पर ये परचे दर्ज करन नूं भज रहे ने। श्रोमणी कमेटी बदनाम बड़ी होनी आ जिहदे करके तां FIR दर्ज नहीं करा रहे। की लगता है कि किसी वड्डे मगरमच्छ नूं बचाउण वास्ते ये कार्रवाई की ढल की जा रही? जेकर किसी प्रकार का इत्थे नुकसान होया DC अमृतसर ते पुलिस कमिश्नर जिम्मेवार होगा। 328 पावन सरूपां नूं लैके सिख जथेबंदियां वल्लों लंबे समय तो प्रदर्शन किए जा रहे सी, अज 23 दिन हो गए ने सिख जथेबंदियां वल्लों श्री दरबार साहब के अंदर अजे भी प्रदर्शन जारी है। साडे नाल इस समय सिख आगू बलबीर सिंह मुछल ने, सिंह साहब अज 23 दिन हो गए आ प्रदर्शन किए नूं, किसी तरह की कोई सुनवाई हुई है? सुनाई ये आ कि जिस दिन का मोर्चा लाया वा जी, मोर्चे जिहड़ियां 9 मंगां दित्तियां सन उहदे विच कुछ एक जी इन्हों की अपनी प्रेस लगी हुई सिरे गुरु ग्रंथ साहब की छपाई करते सन उन्होंने पाबंदी ला दी गई है। दूसरा है कि जेडे अंगीठे साहब सन गोंदवाल साहब जिमें लुधियाने जवंधी कला देहरादून दिल्ली के जमुना पार इदा जिथे जिथे अंगीठे सन जिथे गुरु ग्रंथ साहब बिरदा का संस्कार किया जाता सी उन्होंने पाबंदी ला दी गई है। पर असी इन्हों के गाड़ी एक ये मंग रखी सी कि जिहड़ियां प्राइवेट प्रेसा तुसीं कनेडा दे विच संदेश जारी करके जे वो प्रेस बंद कर सकते जे तो तुहाडे श्री अकाल तख्त साहिब दे बिल्कुल नज़दीक एक प्राइवेट प्रेस लगी हुई है जिहड़ी तरातार गुटके साहब छापी जा रही है, पोथियां छापी जा रही है, फिर उहदे च पावन पवित्र गुरबाणी दे शब्द बहुत जिन्हां च औंकड़ दलैंकड़े सिहारी बिहारी कुछ पदे नहीं हुंदे वो अपने पिंडां दे लोक लई जा रहे ने, क्योंकि जिहड़े ते गुरबाणी दे शुद्ध उच्चारण करन वाले जिहड़े बाणी दे ज्ञाता हुंदे उहनूं ते पता लग जांदा, फिर साडे तक शिकायत करदा साडे कोल काफ़ी पोथियां पईआं, असीं कहा कि तुसीं जिहड़ियां इह प्राइवेट प्रेसां वा दिल्ली वाली उह सारियां बंद करो पहलां, ते जिहड़े डेरियां दे विच कई थावां जे 100-100 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 50-50 जिहड़े साल बाद बाबे दी बरसी ते प्रकाश करदे आ उदां नहीं प्रकाश करदे। इह मंगां असीं सतगुरां दी गुरबाणी दे सत्कार वास्ते रखियां है। कुझ अखबारां उपर गुरबाणी पावन पवित्र शब्द आउंदे आ जिहड़ी उह पैरां च रुलदी आ, ये जिहड़े पावन पवित्र गुरबाणी आ ये धुरों आई है, इहदा वध तों वध सत्कार होना चाहीदा। इहदा काफ़ी सतगुरु दे सत्कार संबंधी 9 मंगां ही दित्तियां सन। एक मंग जिहड़ी मेन सी उह सी कि जिहड़े दोषी तुसीं अपने टेबल ते बहि के एक मीटिंग सद के जिहदे च प्रधान लंगोवाल ते नाल रजिंदर सिंह मेहता ते होर भी मैंबर श्रोमणी कमेटी बैठे सन, इन्हां ने एक अखबारां ते दूजे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया राहीं लोकां तक गल कीती सी कि इन्हां बंदियां दे उपर इन्हां बंदियां दे उपर फौजदारी परचे दर्ज किए जाएंगे। 15 जाने दोषी ठहराए गए सन पर 10 पेचियां की रिपोर्ट सी, पर अज जिहड़ी रिपोर्ट जनत कर रहे आ वह घट्टो घट 1000 के कुछ पन्नियां की रिपोर्ट वा। ये तां करनी पै गई शर्म दे मारियां ने, इस तों पहलां एक अतिंद्रपाल सिंह जी खालसतानी पटियाले वाले गुरसिख उन्हें रिपोर्ट जनत कर दी, जिस करके इन्हां नूं ही शर्म दे मारियां नूं करनी पै गई। ये रिपोर्ट 1000 पन्नियां दे विच जिहड़ी आ 1000 पन्नियां की रिपोर्ट जिहड़ी आ वो हुण जनतक होवेगी, उहदे विच विंदे किहड़े किहड़े दोषी पाए गए ने, ते इह असीं श्री अकाल तख्त जथेदार नूं दस्सण दे आ। असीं सलाह ही दे रहे हां कि जथेदार जी तुहाडे कोल सलाह वाला कोई नहीं है, साडे कोल सलाह लै लो कि जिहड़ी तुसीं रिपोर्ट जनतक करन वास्ते इन्हां नूं पहलां 10 पेजियां दी दित्ती, हुण 1000 ते कुछ पन्नियां दी पेज दी रिपोर्ट दित्ती है। ये तो खुद दोषी ने, ये खुद दोषी ने, सारे नहीं हो सकते पर उन्होंने ना लै करके जोड़े दोषी नहीं तो वह रिपोर्ट जिन्हें भी अपने हाथों से लै करके श्री अकाल तख्त साहब वालों संदेश जारी कर उन्होंने बंद जोड़े दोषी ने उन्होंने उत्ते FIR दर्ज श्री अकाल तख्त साहब के संदेश जारी करके कोई जिमें पहला एक सैट बनाया सी इदा ही 5 मैंबरी कमेटी भावें जथेबंदियों के बंदे नुमाइंदे लल्लण उन्हां वल्लों इन्हां बंदियां दे उत्ते FIR दर्ज करवाउणी चाहीदी है। जिहड़ा तुहानूं कितना क भरोसा जिहड़ी रिपोर्ट जनतक कीती गई है? वेखो जी अजे तक पब्लिक तक नहीं आई, संगत तक नहीं आई, साडे तक नहीं आई, अजे तक मीडिया च आई गल
जिन्ने चिर असीं पढ़ नहीं लेंदे उन्हूं विचार नहीं लेंदे उन्ने चिर तक दस नहीं सकते क्योंकि ये लोग बेईमान ने क्यों गल करके मुकर जाते हैं। तो असीं चाहते हैं कि वह रिपोर्ट सानू इत्थे एक कापी ये दे देन जिहड़ी 1000 ते कुछ बनिया दी आ, फिर असीं कहांगे कि इन्हां ने अपनी जिहड़ी सच्चाई आ उह सानू दे दित्ती गई आ। उस तों बाद खालसा पंथ ते सारियां जथेबंदियां जिन्नियां पंजाब दे विच ने उन्हां दी सलाह लैके की करना चाहुंदे आ करांगे। इन्हां पावन सरूपता 328 सी, 3328 पावन सरूपां दा की मामला है जी? वेखो 3328 जे उह उदों कीती सी, 328 कीते सन दसां पन्नियां दी रिपोर्ट ते, हुण 1000 ते कुछ पन्नियां दी रिपोर्ट, पर उहदे विच वध सकदे ने। उहदे च 3328 कन्नां च आवाज़ सुण रहे लोकां कोलों, पर जिन्ने चिर इन्हां दी जनतक रिपोर्ट दे विच असीं पढ़ नहीं लैंदे आवाज़ सारा क्लीयर हो जाणा, शामां तक क्लीयर हो गया फिर उहदे हिसाब नाल ही मोर्चा होर वधा देवांगे। जिथे इत्थे लाया वा फिर इन्हां दे दफ्तरां गाड़ी ला दांगे, फिर जिहड़ा असीं इत्थे लाया वा अंदर लाया वा हुण ही मुड़ के फिर इन्हां दे दफ्तरां गाड़ी लावांगे। डीसी नूं दस देना चाहुंदे आ कि डीसी साहब तुसीं इक जिम्मेवार शहर दे, तुहाडा वी इहदा इत्थे पूरा श्रोमणी कमेटी दे विच कि जाने कि पावर वार रखदे तुसीं, पर जेकर किसी प्रकार का इतने नुकसान होया डीसी अमृतसर तो पुलिस कमिश्नर जिम्मेवार होगा। असी क्योंकि ये शांतमई इतने इदा नहीं बैठे रहना, अं किरती सिख वा, किरत भी कर जानते हैं तो कुरबानी कर भी जानते हैं। जेकर किसी प्रकार की सानू इतने शहादत भी देनी पैगी बिल्कुल गुरु वास्ते देवे, पर असी न्याय लैके रटांगे। इन्होंने को बीते दिन गोबिंद सिंह लौंगोवाल वालों एक बयान दिता गया कि किसान ऑर्डिनेंस का उन्होंने वालों विरोध किया, किसानों यह भी किया गया भी जिते भी किसान बैठे ने साडे वालों लंगर बचाया जाऊगा। कि सिख जथेबंदियां गुरु ग्रंथ साहब के मामले ते काफ़ी दिन दिया बैठिया कि लौंगोवाल साहब ने इतने आन के उन्होंने पूछया जां लंगर पानी का कुछ किसी तरह का कोई? दो दिन लंगर दिता सी, तीजे दिन लंगर कर दते बंद, लंगर भी बंद करते, चाह भी बंद कर दी। ये लंगर देंदे ने जिथे सुखबीर बादल का परिवार जाता वा, जिथे बादल का परिवार जाता वा, ज भाजपा वालों के परिवार, क्योंकि ये सारे गठजोड़ आ लंगर उ फिर आ जरा मशीनी पक के नहीं जाता, फिर जो इन रेलियां इन्हों जिथे मीटिंग होंगे उ हाथ ना वेल न वेल के वधिया वधिया देसी घ्यो चौपड़ के उत्थे सुंदर प्रसादे जाते हैं, जेडे संगतान देंगे ने, जेडे संगतान देंगे ने वह देंगे मशीनी प्रसादा। तो जो इन रेलियां जाता सारा गुरु घरों जाता, एक कोई MLA कोई MP अपने घरों पका के नहीं इन इनिया रैलियां जा इन जे मोर्चे लगे इतने किसानों नहीं शिकायत इन्होंने अमृतसर तो हजूर साहब संग जाती उदों नहीं पले बन के दे देंगे किसी उदों तो मारन पेंदे आ। हजूर साहब संग जाती अमृतसर तो हजूर साहब अमृतसर संगत आँदी आ, तो हजूर साहब के जोड़े प्रेमी ने वो प्रसाद के सारियां पले बन के तोरते ने। तो इन्होंने कहीं स्टेशन से वेखा लंगर पहुँचाया आ मोर्चा अं कोई घर वास्ते लाया वा। इन्होंने कहा कि जो मंगा बहुत जायज़ वा, तुहाडे नाल एग्री अं दफ्तर जो बैठे था मीटिंग हुई है कि बहुत वधिया तुसीं कर रहे जी, इहदे नाल साडा बदलाव अं लै के FIR दर्ज करावांगे, पर ना लंगर दे करके नहीं बैठे थे लंगर, बड़ी रब वर्गी संगत जी इत्थे छकाई जा रही है। पर सानू इको एक साडी मंग ये आ कि उन्हां बंदियां दे परचा दर्ज कराओ जिहड़े बंदे दोषी सन, जिन्हां नूं तुसीं मीडिया के रिलीज लोगों तक किया कि इन्हों इन्ह बंद फौजदारी परचे दर्ज करावे, पर यह परचे दर्ज करने भज रहे हैं, अज तक कोई भी परचे वाली गल ये नहीं कर रहे। दस्या भी खुद ही उन्होंने कहा कि तुहाडे वल्लों मंगा जिहड़ियां बिल्कुल जायज ने, पर फिर भी फौजदारी परचा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? वेखो जी वो जो मुलाजमान ने इन्हों कहता कि तुम साडे दे ना कराओ परचे, जे तुम साडे दे कराओ साडे दे परचे कराओगे हाँ तो ये असी नहीं ये सारा घबड़ा किया, तुहाडियां वड्डियां ने भी ना रल के किया, इन्ना इन्ना बंदियां दे नाम लवेंगे असी जिदे करके फिर बच्चे इन्होंने कहा तो सारे भुलेटे चले आ, तो कौ श्रोमणी कमेटी बदनाम बड़ी होनी आ जिद करके FIR दर्ज नहीं करा रहे। एक बंदे ये प्रशासन के हवाले दे देन कर देन, तो प्रशासन वड्डियां वड्डियां कंधा नूं बुला लेंदे, तुहानूं पता ही है चोर आजे दा जे ST वर्गे वो आ गए सिमह सैनी वर्गे जिहड़े बड़े वड्डे काटागिरी सन प्रशासन कलम उन्हां दी चलदी सी समा ही, तो अज उन्हां नूं जे जेलां च बंद कर सकदे आ। उमरा सिंह नंगलवाल की लगता है कि किसी वड्डे मगरमच्छ नूं बचाउण वास्ते इह कारवाई दी ढिल कीती जा रही है? हाँ जी हाँ जी, वड्डे मगरमच्छ नूं जरूर मगर कोई हथ जरूर हैगा नाल ही गल नहीं, उहनूं बचाउण वास्ते जिहड़ा वा इह काम कीता जा रहा वा। प्रशासन पर इत्थे CID वाले भी घट्टो घट्ट 10-15 रात दिने हुंदे ने, एक दिन का एक महीना हो गया वा, ये पता नहीं किन्ना खर्च जिहड़ा वा प्रशासन ते पंजाब सरकार ते पै रहा। इस तों बाद इन्हां ने मुड़ के कार्रवाई दस्सी की करनी है? असी जी एक बना दिता वा महकमा जिदा उधर बनाया मुगराड़ी, वह करूगी जाँच इन्हां दी कि प्रशासन अपनी दसेगी कि साडे कोल इन्नी समर्था नहीं हैगी
ना साडा इन्ना दिमाग काम करता किहड़ा दोषी आ फिर वो वधिया कोई टीम लभदे ने तो वो टीम दे कोलों फिर ये जांच करवाउंदे ने पर ये सामने कुछ इन्होंने दोषियों ने रिपोर्टां जंद कीतियां ने वो जल्दी ही जी कार्रवाई करके दे पुलिस के हवाले कर देने जी बंदे बरगाड़ी वर्गे मोर्चे वांगू ये भी जो मामला लम्मा च समा चलेगा कि ये जी जे बरगाड़ी मोर्चा लगा ही ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਫ ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।